बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं यूनिट 9 के, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। आपको इंग्लिश के पहले असबाक भी इस चैनल पे मिल जाएंगे और फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्लास 9 के। तो आज हम करेंगे प्रेपोजिशन। तो पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन टेल अस द पोजिशन ऑफ समथिंग इन रिलेशन टू अनदर। एक चीज़ की हैसियत दूसरी के रिलेशन से बताती है। तो अगर आपने इस लेसन के बारे में कमेंट्स और सजेशन देने हैं तो आप फेसबुक पेज यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान होम स्कूल। जैसे आप देख रहे हैं द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो कैट नाउन है, प्रेपोजिशन इज़ अंडर और टेबल ऑब्जेक्ट है। तो कैट और टेबल का रिलेशन पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें अल्लाह के साथ अपना रिलेशन जानना है तो फिर हमें अल्लाह की किताब पढ़नी चाहिए। तो कम अज़ कम 3 आयात रोज़ाना तर्जमे से पढ़ें ताकि हमें पता चले कि हमारा अल्लाह के साथ क्या रिश्ता है, अल्लाह हमारे से क्या चाहता है और अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है। हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। आप देखें द बुक्स आर डैश द कबर्ड और द डॉग इज़ डैश द चेयर, द एप्पल इज डैश द बुक। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हमें इनकी पोजीशन के बारे में बताएंगे उनको प्रेपोजिशन कहते हैं। और सिंपल वर्ड्स हैं द बुक्स आर इन द कबर्ड, अलमारी के अंदर बुक्स हैं। द डॉग इज अंडर द चेयर, कुत्ता चेयर के नीचे है। द एप्पल इज ऑन द बुक और जो सेब है वो किताब के ऊपर है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेपोजिशन। Based on the construction of preposition themselves, the prepositions are of 4 different kinds. ये 4 different kinds की हैं। Simple preposition जो हमने अभी example देखी है, फिर double preposition है, compound preposition है और participle preposition है। What is double preposition? Double preposition में 2 words को मिला के एक word बनता है, जैसे inside, outside, The dog jumped onto the bed और once upon a time there lived a king. It is up to us to find a way out. आप देखें कि 2 within, without, upon, onto. Compound preposition are 2 word preposition. Unlike double prepositions, compound prepositions are not joined and turned into one word. They remain as 2 different words. Compound preposition 2 words पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन ये दोनों words अलहदा अलहदा ही होते हैं। मसलन my car is parked in front of the house, तो in front जो है 2 अलहदा words हैं तो ये compound preposition कहलाएंगे। Rima was never close to her parents, ये भी 2 words हैं। She cannot stay here as of now. His behavior is far from normal. आप देखें कि सब examples में 2 words use हुए हैं, तो ऐसी prepositions को हम compound prepositions कहते हैं। फिर 4th form है participle preposition. Participle prepositions are basically participle used as preposition. A participle is actually a verb that ends with an or ing. जैसे Ali is always curious about anything concerning Sean. Concerning जो है वो participle preposition है। इसी तरह during, excluding, given, following, ये सारी example है participle preposition की। अब हम सिंपल प्रेपोजिशन की एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं, आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका आंसर देखेंगे। द यंग बॉय इज डैश द फोन राइट नाउ, माई फादर इज गोइंग डैश, द टॉय बियर इज डैश। तो इसमें हम प्रेपोजिशन लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। द यंग बॉय इज ऑन द फोन, माई फैमिली इज गोइंग टू वेकेशन, द टॉय बियर इज इन द बॉक्स। इसी तरह एग्जाम्पल, ये एक एक्सरसाइज है डबल प्रेपोजिशन की। पहले खुद से सॉल्व करें वीडियो स्टॉप करके। डैश द हाउस हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, द आउल सेट डैश अ बनियन ट्री, आई नेवर लीव माय हाउस डैश एन अम्ब्रेला ड्यू टू द अनसर्टन वेदर।
तो अब हम इसके आंसर्स देखते हैं. आउटसाइड द हाउस लाइज अ ब्यूटीफुल गार्डन, घर के बाहर एक खूबसूरत बाग है. द आउल सेट अटॉप अ बनियन ट्री, उल्लू एक बरगद के ट्री के ऊपर बैठा है. आई नेवर लीव माई हाउस विद आउट एन अम्ब्रेला ड्यू टू अनसर्टन वेदर. अब हमने यहाँ पे एक्सरसाइज है कंपाउंड प्रेपोजिशन की. द डैश द ऑडिटोरियम इज ब्यूटिफुल, अली इज स्टैंडिंग डैश टू बी, ही कुड नॉट लीव होम. तो द इनसाइड ऑफ ऑडिटोरियम इज ब्यूटिफुल, अली इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रूबी, ही कुड नॉट लीव होम बिकॉज ऑफ हैवी रेन. तो यहाँ पे हमने कंपाउंड प्रेपोजिशन यूज की. अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन की. Everywhere he went, the dog kept dash him. The entire class went to picnic dash and she worked dash the day. तो अगर हम इसको फिल करें तो everywhere he went, the dog kept following him. Went to picnic including the teacher or during the day आएगा fill in the blanks में. अब हम अपने lesson की तरफ आते हैं. हमने sentences complete करने हैं using the given compound preposition along with according to, in front of, away from, because of or instead of. पहला sentence है dash my teacher, it is a great book. तो according to my teacher मेरी उस्ताद के मुताबिक it is a great book, ये एक बहुत अजीम किताब है. He had to retire dash ill health. तो he had to retire because of ill health, अपनी खराबी सेहत की वजह से retire हो गया. I am standing dash the school building. हम देख रहे हैं कि in front आएगा यहाँ पे. I am standing in front of the school building. Next sentence है he is coming dash his friend. He is coming along with his friend, वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है. I am dash my home right now. I am away from home right now, क्योंकि वो घर से दूर है. और he left for Sialkot dash Lahore. उसने he left for Sialkot instead of Lahore, वो सियालकोट के लिए रवाना हुआ बजाय लाहौर के. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.